मैं हूं वृत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और ये जो वीडियो है वो बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के लिए है। तो और ये ध्यान रखना है कि व्यवस्थापिका का जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इसका थर्ड पार्ट, इसी यानी 19 लेसन का थर्ड पार्ट है। और उसमें आज हमारा जो शीर्षक है यहाँ जिसको हमें पढ़ना है वो है व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास, यानी व्यवस्थापिका की वर्तमान में क्या स्थिति है और इसका पतन हुआ है या उसकी कार्य में उन्नति हुई है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि व्यवस्थापिका किस तरह से प्रभावी है और ये द्वितीय सदन के रूप में किस तरह से काम करती है, तो जब ये इसके बारे में पढ़ा तो ये क्या क्या कार्य करती है, इसका क्या महत्व क्या है, और वर्तमान में जब इसका महत्व ये जो था अभी मतलब ये क्या सके अतीत में जो महत्व था या जिस तरह से कार्य कर रही थी सरकार के एक अंग के रूप में, क्या वास्तविक में वर्तमान में इसका महत्व वही है या फिर इसका कम हो गया है, ह्रास हो गया है, तो हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखें, आजकल ये माना जाता है कि संसद या व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है, और लॉर्ड ब्राइस ने तो सन 1925 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में व्यवस्थापिका के पतन की चर्चा की। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिका के पतन के बारे में भी बात की है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है और मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखें, लॉर्ड ब्राइस ने ध्यान रखना है 1925 में उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम से एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि व्यवस्थापिका जो है उसका व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में लिखा था। तो ये ध्यान रखना है, यानी इस तरह से 1925 में लॉर्ड ब्राइस ने 1925 में मॉडर्न डेमोक्रेसी एक पुस्तक है, ठीक है ना, तो ये एक पुस्तक है जिसको आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक में उन्होंने यहाँ तक बात लिख दी थी कि अब धीरे धीरे व्यवस्थापिका का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिका का रोग निदान में उन कारणों की खोज का प्रयास किया जिससे व्यवस्थापिका पीड़ित हैं और इस वजह से पतन हो रहा है। तो आज अक्सर ये कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है, संसद का इतना महत्व नहीं रह गया, नौकरशाही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही है वो स्थापित हो चुकी है, तो फिर व्यवस्थापिका का महत्व है वो कम हो गया। तो व्यवस्थापिका के पतन से क्या तात्पर्य है, मतलब है क्या तात्पर्य, तो वो एक तरह से हम समझेंगे केसी हियर के अनुसार। केसी हियर ने कहा है कि व्यवस्थापिका का पतन का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ कार्य कुशलता और सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। मतलब ये है कि व्यवस्थापिका का जो महत्व था पहले, ठीक है ना, वह महत्व आज के समय में उतना नहीं रह गया, क्योंकि अब बाकी जो ऐसी संस्थाएं थी जो सरकार के तौर पे हैं उनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनकी शक्ति है या कहीं ना कहीं इनका महत्व कम हो गया, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है, क्योंकि दूसरे कोई नए आ जाते तो उसकी व्यवस्था, उसकी प्रसिद्धि, उसका अस्तित्व जो प्रभाव है बढ़ जाता है, तो व्यवस्थापिका का अस्तित्व है वो कम हो रहा है। ये एक तरह से हम समझते हैं पतन की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखें, यदि व्यवस्थापिका की भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज ही में ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में काफ़ी अवनति हुई है, यानी एक तरह से आज को हम यहाँ पे समझेंगे तो आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका है, सॉरी, ये जो व्यवस्थापिका है यहाँ पे हम बात करें, ठीक है ना, तो इसकी जब हम बात करें तो ध्यान रखना है व्यवस्थापिका के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो कार्यपालिका को यहाँ पे उसका महत्व बढ़ गया, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। तो ध्यान रखना है कि यदि व्यवस्थापिका की भूमिका और कार्य का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज ही ये कहा जा सकता है कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में काफ़ी अवनति हुई है, ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसका महत्व
व्यवस्थापिका का महत्व कम हो रहा है, इस वजह से क्या हो गया कि इसकी व्यवस्थापिका के अंदर कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका की शक्ति में, यहाँ भी ध्यान रखें हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ भी ध्यान, कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है, तो कार्यपालिका की शक्ति बढ़ोतरी, कार्यपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई हुई इस कारण व्यवस्थापिका की शक्ति है वो कम होगी, शक्ति है वो कम होगी। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि कार्यपालिका है वह वर्तमान में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है व्यवस्थापिका से। जब कार्यपालिका का क्षेत्र और शक्ति बढ़ रही है तो उसके मुकाबले, कार्यपालिका के मुकाबले व्यवस्थापिका है उसका जो मूल्य, जो उसकी जो कार्यप्रणाली जो शक्ति है वो कम महसूस हो रही है। क्योंकि जैसे हम थे, हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमसे कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाए तो वो उसका महत्व बढ़ जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली कह जाएंगे कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो कम हो रहा है, क्योंकि उन्नति तो हो रही है लेकिन फिर भी कार्यपालिका के अकॉर्डिंग नहीं है। तो व्यवस्थापिका की शक्ति काफ़ी कम या अवनति होगी, उन्नति नहीं होना ही क्या कहलाता है, व्यवस्थापिका का पतन। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आगे देखिए, वर्तमान शताब्दी का एक लक्षण प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह से हो रहा है कि जिसमें कार्यपालिका शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। यानी एक तरह से आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, व्यवस्थापिका का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो कार्यपालिका शक्ति बढ़ना, व्यवस्थापिका का अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाना। आज चिंता का युग है, तीव्रता का युग है, चिंता का युग और तीव्रता का युग है, क्योंकि मतलब जल्दी से जो कार्य होता है वो सुटूर से किया जाना चाहिए, तथा चिंता और तीव्रता के इस युग ने तीव्र गति से कार्य करने वाले संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया है। व्यवस्थापिका अपने संगठन कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकती, ऐसी संस्था कार्यपालिका ही हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि व्यवस्थापिका अपने संगठन और कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं है। तो तीव्र गति से जो कार्य कर रही है वर्तमान में वो कार्यपालिका है, तो इस वजह से कार्यपालिका का महत्व बढ़ गया और व्यवस्थापिका का महत्व कम हो गया है। तो ये कारण ये भी है कि व्यवस्थापिका, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आ रही है बात, यह व्यवस्थापिका आपने संगठन एवं कार्यप्रणाली द्वारा, यानी उसका जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है कार्यपालिका, ठीक है ना, उस कार्यपालिका के कारण, कार्यपालिका के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं है, के कारण तीव्र गति से करने वाली संस्था नहीं है, जबकि कार्यपालिका, कार्यपालिका है उसका कार्य है या वो है जो वो कार्यपालिका, जबकि कार्यपालिका ऐसी संस्था है जो गति से कार्य करती है। तो ये भी हो गया क्या, मैं जो बता रहा हूँ कि व्यवस्थापिका का महत्व और इसका जो पतन इस वजह से हुआ कि जिस तरह से वो उसका संगठन जिससे बना हुआ है, जिस तरह से व्यवस्थापिका बनी हुई है और जिस तरह से कार्य करती है, इस तरह से वर्तमान में
कार्य है वो उस हिसाब उस स्पीड से नहीं कर पाती जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि चिंता का युग है और तीव्रता का युग है, जो काम है वो जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये इस अकॉर्डिंग नहीं ढल सकती है, जबकि कार्यपालिका है वो इस अकॉर्डिंग है, वह तीव्र रूप में काम कर सकती है। तो इस कार्य करने के हिसाब से व्यवस्थापिका का एक मूल्य कम हो जाता है, तो इस वजह से हाथ हो जाता है। तो ये तो हमने समझाया कि किस तरह से क्या है, अब हम वास्तविक रूप में समझें कि पतन के कारण क्या है। ठीक है ना, व्यवस्थापिका के पतन के कारण हम एकदम पूरे अच्छे से रूप में समझेंगे कि कारण क्या है जिस वजह से। तो पहला कारण तो हम ये बार बार यहाँ पे आ रहा है कि कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हो गई है। तो कार्यपालिका का जब कार्य बढ़ गया है तो व्यवस्थापिका का कार्य कम हो जाएगा, मतलब उसका मूल्य उसका अस्तित्व कम हो जाएगा, तो पतन की ओर बढ़ेगा ही। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व अभूतपूर्व वृद्धि। तो यहां पे ये ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो कार्यपालिका है उसने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा दिया है, वो ज़्यादा रूप में कार्य करती है। ठीक है ना, क्योंकि शासन व्यवस्था में वर्तमान में सबसे प्रभावी कौन है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का प्रभाव इतना बढ़ गया, उसका क्षेत्र इतना बढ़ गया कि उसके मुकाबले व्यवस्थापिका महत्व नहीं दिखती है, उसका महत्व नहीं दिखता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कार्यपालिका का महत्व बढ़ गया है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, व्यवस्थापिका का पतन हो गया है। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था, प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। अब ये क्या है, इसको कैसे समझना है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए, व्यवस्थापिका के पतन और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन है क्या, तो वो देखें आप। ये प्रदत्त व्यवस्थापन की विशेष स्थिति विशेष रूप से संघीय शासन के अंतर्गत होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि 19वीं सदी के अंत तक प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रचलन बहुत कम था, पद का इतना महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय तक राज्य का कार्य क्षेत्र भी एक लिमिट तय था, सीमित था, लेकिन संसद शासन के लिए लगभग सभी नियम बना सकती थी। अभी क्या हुआ है कि लेकिन इसके बाद शासन के कार्य में वृद्धि होने लगी, शासन यानी राज्य वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने लगा और कानून निर्माण के कार्य में जटिलता लाने के परिणाम स्वरूप इस स्थिति को अपना लिया कि संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर सकती है और बाकी काम है वो कार्यपालिका के पास चला जाएगा। इस मोटी रूपरेखा के अंतर्गत नियम उपनियम बनाने और आदेश जारी करने का अधिकार संबंध विभाग को दे दिया। किसको दे दिया, विभाग को दे दिया। तो जब विभाग को दे दिया तो इस प्रकार जो काम था करने का व्यवस्थापिका का, वह कार्य उसके लिए एक मामूली हो गया, उसका वास्तविक कार्य है वह किसके पास आ गया, व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्य करना है वह कार्यपालिका करती, यानी जो व्यवस्था करने की जो बात थी वह प्रदत्त हो गई, यानी दूसरों को मिल गया, यानी दूसरी इसका कार्य है उसको व्यवस्थित रूप में करने लगे। तो इस तरह से जो प्रदत्त व्यवस्था थी वह क्या हो गई, प्रदत्त रूप में, यानी व्यवस्था थी जो व्यवस्थापन करने की, जो व्यवस्था थी कार्य कानून व्यवस्था बनाने की, वह प्रदत्त हो गई। यानी ये जो था जिसका अधिकार था वह कार्यपालिका के पास ज़्यादा आ गया, कार्यपालिका इसके क्षेत्र में ज़्यादा करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका के व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक भाग, संभवतः बड़ा भाग, व्यवस्थापिका के हाथ से निकल कर कार्यपालिका के हाथ में चला गया है। प्रदत्त व्यवस्था के रूप में जो कार्य करने की व्यवस्था थी वो प्रदत्त हुई, यानी व्यवस्थापिका के हाथ में जो बड़ा काम था कार्य कानून व्यवस्था बनाने का या व्यवस्था करने का, वो बड़ा जो हिस्सा है वह कार्यपालिका करती है, व्यवस्थापिका कार्य कार्यपालिका करती है। तो इस वजह से भी ये प्रदत्त व्यवस्थापिका की व्यवस्था से इसका जो औचित्य मूल्य है वो कम होता गया है। नेक्स्ट देखें रेडियो और टेलीविज़न। अब ये यहाँ पे कैसे व्यवस्थापिका के कार्यों को या उसका पतन का कारण है, तो देखना है रेडियो और टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन के बारे में आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से ये व्यवस्थापिका के पतन के तौर पे प्रमुख हो गए। तो आपको यहां पे देखना है, मैं बता रहा हूं कि
संचार के इन साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यानी पहले क्या था, पहले इतना कम्युनिकेशन या ये सोशल मीडिया वगैरह जो टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, तो कार्यपालिका कार्य तो करती थी लेकिन उस वो हाईलाइट नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि व्यवस्थापिका कार्य पहले भी करती थी उसका मैं तो ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान में काम कार्यपालिका करती है लेकिन इसके कार्य पर ज़्यादा प्रभाव प्रकाश डाला जाता है, हाईलाइट। यानी कार्यपालिका है उसके कार्यों पर टेलीविज़न रेडियो मीडिया वगैरह ज़्यादा हाईलाइट करती है। तो वो भी इस वजह से जब कार्यपालिका ज़्यादा हाईलाइट हुई, उसके कार्य को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत किया गया, तो इस वजह से धीरे धीरे जब जब किसी एक पक्ष को बार बार कहेंगे बताएंगे उसका महत्व बताएंगे बार बार उसी के बारे में कहेंगे तो धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो जाएगा, उसका कार्यक्षेत्र भी धीरे धीरे लोग कहेंगे इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाओ क्योंकि सही काम कर रही है। तो इस तरह से सोशल मीडिया टेलीविज़न और ये जो रेडियो इन्होंने न चाहते हुए भी व्यवस्थापिका के पतन की ओर कार्य करने लगी, यानी फिर कार्यपालिका उसका महत्व बढ़ गया। तो ये समझ में आ गया किस तरह से, तो मैंने आपको बता दिया है ये व्यवस्थापिका के पतन का एक कारण है। नेक्स्ट देखें, विशेषज्ञों की परिषद व समितियों का विकास। विशेषज्ञों की परिषदों परिषदों व समितियों का विकास। तो ये देखो इस तरह से क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है कि आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। जबकि ये जो कार्य किसी प्रस्ताव को लेकर, प्रस्ताव जब संसद में आता था तो इसके लिए जो प्रस्ताव आता था वो तैयार करने के लिए जो सलाह ली जाती थी वो पहले क्या होता था कि व्यवस्थापिका है उसके पास ज़्यादा काम होता था। जो प्रस्ताव पारित जो लाना है प्रस्तुत करना है उसके पहले सलाह मशवरा होती थी, सलाह के रूप में व्यवस्थापिका काम करती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में जो कोई भी समिति है, जो समितियों के द्वारा जो कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाती है। विशेषज्ञ समिति बनाई जाती है, एक विशेष विभाग हो जाता है जो किसी भी प्रस्ताव के बारे में विचार देता है। जो ये कार्य पहले व्यवस्थापिका का था अब ये विशेषज्ञ समिति करती है। तो इस वजह से भी व्यवस्थापिका का जो कार्य था वो नहीं कर पाने से दूसरे कर दे, तो वहाँ पर व्यवस्थापिका का महत्व समाप्त हो जाता है कि ये क्योंकि वो कार्य विशेषज्ञों की परिषद और समितियों के द्वारा किया जाता है। तो जब विशेषज्ञ की परिषदों व समितियों का विकास हुआ तब से धीरे धीरे व्यवस्थापिका का जो औचित्य मूल्य है या पतन की ओर ये रास्ता बढ़ने लग गया। तो ये ध्यान रखना है, आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और इसके बाद संबंधित विषय विधान मंडल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और ये कार्य पहले व्यवस्थापिका के परामर्श से होता था लेकिन अब विशेषज्ञों की समिति से होता है। जब इनका विकास हो गया तो व्यवस्थापिका का इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो समाप्त हो गया। तो अब ये समाप्त हो गया, इस वजह से उसका पतन की ओर जाना स्वाभाविक था। नेक्स्ट देखना है, सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। नियंत्रण की हम बात करें तो देखा होगा जिस देश की जो कानूनी व्यवस्था होती है वह किस सैनिक व्यवस्था होती है वह किसके नियंत्रण में होती है, ये भी महत्वपूर्ण मायना एक इम्पोर्टेंट है जो रखा जाता है ध्यान में। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी पहले क्या इतना महत्व नहीं दिया जाता था लेकिन व्यवस्थापिका ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सैनिक शक्ति है, सैनिक सेवाओं पर कार्यपालिका जो होती है वह नियंत्रण रखती है। तो इस वजह से जो वर्तमान में जो सैनिक शक्ति है उस पर नियंत्रण की जो भूमिका है वो कौन, कार्यपालिका निभाती है, उसके द्वारा ही व्यवस्था होती है। तो इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थापिका की भूमिका नगण्य हो जाने से कार्यपालिका जब महत्व बढ़ जा रहा है तो इससे कार्यपालिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है तो व्यवस्थापिका का पतन हास होगा। तो इसके बारे में देखें, क्योंकि राज्य का प्रमुख कार्यपालिका ही सर्वोच्च सेनापति होता है, राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र होता है। इन कार्यों में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती, जब व्यवस्थापिका कुछ नहीं करती और ये यहाँ पे व्यवस्थित का जो कह सकते हैं कि मुख्य कार्यपालक है वो कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से कार्यपालिका के महत्व बढ़ गए हैं
और व्यवस्था का इस क्षेत्र में नगण्य है तो उसका पतन हो जाएगा। अब जैसे देखें युद्ध या सैनिक संगठनों व मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वोसर्वा होती है। जब भी ये सैनिक संगठन या कोई होता है तो वहाँ पे कार्यपालिका पहले आगे बढ़ चढ़कर ये कार्य करती है। इसके लिए ऐसी परिस्थिति में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है और जब व्यवस्थापिका के पास कोई निर्णय लिया जाए कि भाई ये संकट हो रहा है तो क्या करे, किस तरह से करे, तो वो प्रस्ताव लाएगा, धीरे धीरे उस पर विचार होगा तो टाइम लगता है। इसलिए यह कार्य है वो व्यवस्थापिका के पास आ गया, क्योंकि व्यवस्थापिका तुरंत जल्दी काम करने की एक उसकी आदत होती है। तो इस तरह से कोई भी संकट आ जाता है, ठीक है ना, या युद्ध होता है तो उसके लिए तुरंत निर्णय लेना होता है तो वो फिर व्यवस्थापिका इस क्षेत्र में कार्य करने की एक प्रभावी संस्था बन गई और इस वजह से यहाँ पे व्यवस्थापिका का महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध संचालन में कई बार कांग्रेस की अवहेलना की, यानी व्यवस्थापिका की अवहेलना की और वहाँ की खुद की जो कार्यपालिका थी उसको महत्व देते हुए तुरंत प्रभाव से कार्य किया। तो इस तरह से कार्यपालिका की शक्ति में आवणिक व अन्य विनायक व शस्त्रों के निर्माण के कारण और भी वृद्धि हो गई है। कानून परमाणु शक्ति वगैरह उसके प्रयोग के संदर्भ में जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के पास होता है इसके संचालन में। तो इस तरह से व्यवस्थापिका के पास जो कार्य था वह न होकर के कार्यपालिका के पास ही महत्व कार्य बढ़ जा रहा है। तो इस वजह से सेनाओं पर नियंत्रण की वजह से व्यवस्थापिका का महत्व कम और कार्यपालिका का महत्व ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट देखना है विदेशी संबंधों की प्रधानता। अब क्या है कि जो विदेशी संबंध होता है, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशनशिप जो होता है देश के लिए, तो वो कार्य ज़्यादातर कार्यपालिका के मुख्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह, तो उसके देख रेख में होता है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे तो राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या एक औपचारिक भूमिका निभाई देती है, लेकिन वास्तविक तौर पर फॉरेन पॉलिसी, विदेशी संबंधों के बारे में देख रेख कह सकते हैं कार्य है वो करता है, वो कार्यपालिका के प्रधान या कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि विदेशी संबंधों के प्रति जो नीति निर्माण जो कार्य हैं या जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह व्यवस्थापिका करती है, कार्यपालिका का इतना व्यवस्थापिका इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, कार्यपालिका करती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री, वही ज़्यादातर क्या करता है, विदेशी संबंध संधि या संधियाँ वगैरह जो समझौते हैं वो करता है। तो जब प्रधानमंत्री यानी कार्यपालिका के प्रमुख कार्यपालिका के द्वारा इस संदर्भ में फॉरेन पॉलिसी के रूप में ज़्यादा कार्य किया जाता है, उसकी प्राथमिकता होती है, सब इनके देखरेख में होता है, तो वहाँ पे जब व्यवस्थापिका को महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ औपचारिक फॉर्मेलिटी होती है, तो इन फॉरेन पॉलिसी में भी कार्यपालिका का महत्व है वो बढ़ गया है। इस वजह से व्यवस्थापिका का मूल्य कम हो गया है, तो उसका मात्र समझ लीजिए पतन की ओर ही जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। क्योंकि कार्यपालिका में दलगत भावना ज़्यादा होती है, तो इस तरह से कोई ऐसे दल, ऐसे बड़े बड़े अनुशासित एकदम वेल मेंटेन दल या पॉलिटिकल पार्टियां बन जाती है जिनकी सभी राजनीति बहुत अच्छी हो जाती है, तो इन सभी उनके प्रभाव के कारण भी जब वे सरकार में आ जाते हैं तो उनकी कार्यपालिका की शक्तियाँ वो पूरी जितनी ज़्यादा लिमिट में वो उस शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या कह सकते हैं शक्ति है वो कार्यपालिका के नज़दीक आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें ही देखें तो देखना है कि व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका के सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से सीना है। व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दल के बारे में जो व्यवस्थापिका की शक्ति थी वो व्यवस्थापिका की शक्ति को किसने सीना है? कार्यपालिका ने। क्योंकि अब ऐसे कोई राजनीतिक दल बन गए जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो गए और राष्ट्र की राजनीति में वो दल छाए रहते हैं, तो वे जब राजनीति में आते हैं और उनकी जब सरकार बनती है, उनकी जब कार्यपालिका कार्य करने की शक्ति उनकी बारी आती है, जब कार्यपालिका में वे दल प्रमुख होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग करती हैं और इस संदर्भ में व्यवस्थापिका के पास नगण्य शक्ति रह जाती है। तो ये एक तरह से बड़े बड़े अनुशासित दलों के विकास का कारण ये है कि व्यवस्थापिका की शक्ति कम हो गई है और कार्यपालिका की बढ़ गई है और रीजन ये हुआ है।
फिर देखना है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से आपको समझना है, क्योंकि एक तरह से आप देखा जाता है कि कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण का कार्य है वो व्यवस्थापिका करती है, यानी कार्यपालिका जो करेगी वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी, व्यवस्थापिका के प्रति। लेकिन अभी ये जो ट्रेंड है वो एक तरह से बदलता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जो एक तरह से इसके आस का कारण क्या है, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। इस संदर्भ में देखें, संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। जो मंत्रिमंडल बनती है, जो कार्यपालिका होती है, उनका निर्माण किस में से होता है, व्यवस्थापिका में से होता है। और कहने के लिए और इस तरह से होता है, और कहने का मात्र ही है कि कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, वह किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यवस्थापिका। एक और फॉर्मेलिटी हो गई है वर्तमान में, ये एक तरह से क्या फॉर्मेलिटी हो गई है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रूप में काम करती है। लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। कार्यपालिका स्वतंत्र रूप में काम करती है, और कार्यपालिका का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि वे खुद इतने हावी हो जाते हैं कि उसका प्रभाव है वो व्यवस्थापिका के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें, कहने के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर, कार्यपालिका बहुमत बल की जब सरकार होती है, तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्था, सत्तारूढ़ जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है वह व्यवस्थापिका के ऊपर हावी हो जाती है। यानी जो कार्य व्यवस्थापिका को करना था मंत्रिमंडल को नियंत्रण रखने का, उसका उल्टा क्या हो गया है कि अब मंत्रिमंडल इतनी ज़्यादा प्रभावशाली, कार्यपालिका इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है कि वह अब व्यवस्थापिका के ऊपर हावी हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थापिका का मूल्य औचित्य कम हो जाता है, और कार्यपालिका का जब महत्व बढ़ जाता है तो व्यवस्थापिका का ह्रास होगा। इस तरह से आगे देखना है अभी कि इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे, एंड तक हम आगे हैं। तो ध्यान रखना है कि इन सबके, यानी हम बात करें समय में व्यवस्थापिका और अविश्वास प्रस्ताव का कार्य, कार्यपालिका मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित करने की शक्ति का प्रयोग कम होता जा रहा है, क्योंकि इसकी तुलना में मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति ही अधिक उपयोगी की जा रही है। और इस स्थिति के कारण व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी ये उल्टा हो गया कि नियंत्रण तो व्यवस्थापिका के द्वारा करना था, लेकिन अब कंडीशन ये होगी वर्तमान में शासन व्यवस्था ऐसी होगी कि मंत्रिमंडल है वो व्यवस्थापिका को नियंत्रण में रखती है, और इस वजह से व्यवस्थापिका की अवनति हो गई है, व्यवस्थापिका का पतन हो गया है। और ये तत्व संसदीय व्यवस्था में ही देखा गया है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, इन सबके अतिरिक्त व्यवस्थापिका की भूमिका के पतन के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे आज की परिस्थितियों में अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्तिशाली नेतृत्व की भूमिका, यानी जो देश को चलाने वाला होता है, जिसको नेतृत्व दिया गया है, वह ज़्यादा काम करता है। तो इस वजह से नेतृत्व तो है वो कार्यपालिका के पास ज़्यादा रहता है, देश की व्यवस्था चलाने का, कानून व्यवस्था या देश की शासन व्यवस्था चलाने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के पास ज़्यादा रहता है, उसके नेतृत्व तो होता है, जो नेतृत्व तो उनके पास होता है। तो इस वजह से भी व्यवस्थापिका है वो कार्य नहीं कर पाती, उसका इतना योगदान नहीं होता है, तो उसका औचित्य मूल्य ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखना है कि समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संकटों ने भी व्यवस्थापिका की भूमिका में ह्रास और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि कर दी है। तो संकटकालीन स्थिति का सामना कार्यपालिका ही करती है। वर्तमान में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई युद्ध वगैरह हो, तो इस वजह से तुरंत जो फैसला है वह व्यवस्थापिका ने ले दी, कार्यपालिका इसके संदर्भ में जल्दी कार्य करती है, तुरंत फैसला लेती है, जो भी डिसीजन होता है करता है। यानी जो इस कार्यपालिका के प्रभावी कार्य तेज रूप में कार्य करने की वजह से कार्यपालिका का महत्व बढ़ गया है, व्यवस्थापिका का औचित्य धीरे धीरे कम होता गया है। तो अतः व्यवस्थापिका की अवनति, यह स्थिति संसदीय व्यवस्था में अधिक है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का ये जो दौर जो देख रहे हैं वो संसद में होता है, यानी संसदीय व्यवस्था में ये ज़्यादा देखा गया है कि कार्यपालिका का क्षेत्र बढ़ गया है, व्यवस्थापिका का औचित्य और उसका अवनति है वो देखी जाती है, जबकि अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में ये कम होता है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का औचित्य कम हो गया, लेकिन अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा व्यवस्थापिका का महत्व रहा गया, यानी उसका औचित्य ज़्यादा है, उसका पतन नहीं हुआ है।
तो इस तरह से आपने ये जो देखा है व्यवस्थापिका के बारे में जो ये लेसन था कि किस तरह से व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, उसका क्या महत्व है, और फिर इसके बाद हमने ये एंड में देखा कि वर्तमान में व्यवस्थापिका का महत्व कम क्यों हो गया है, पतन हो रहा है, और पतन के बारे में लॉर्ड ब्राइस ने एक पुस्तक में भी ये वर्णन किया है। तो इस तरह से ये पॉइंट है जिसकी हमने चर्चा की, इस वजह से आपको समझना है कि क्यों व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है या औचित्य कम हो रहा है और कार्यपालिका का महत्व बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अपना फर्स्ट पेपर का जो आपके बीए फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर उसका लास्ट जो लेसन है वो कल जो अपना नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में या उस वीडियो को लेकर आएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर के ऊपर अपने वीडियो आएंगे। तब तक के लिए कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।